हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे, अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। और जिस किसी का भी आप में से बर्थडे है, उन सभी को मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे टू यू। और हम लोग शर्मा जी और मैं जा रहे हैं मार्केट। एक्चुअली पापा का फ़ोन आया था, कुछ एक चीज़ें उनको अर्जेंटली चाहिए थी, तो मैंने सोचा कि चलते हैं हम दोनों ही। एक आधी चीज़ें मुझे भी लेनी है, स्पेशली मुझे लेना था टमाटर, तो मैंने सोचा कि एक आधी चीज़ें जो मुझे लेनी है वो भी ले लेंगे। और उसके बाद हम लोग सीधे सबसे पहले गए मम्मी पापा के घर। तो आज फेस वॉश के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ वाव स्किन साइंस का विटामिन सी फेस वॉश। और ये वाव स्किन साइंस का पहला पेपर ट्यूब फेस वॉश है, एक छोटी सी शुरुआत प्लास्टिक रिडक्शन के लिए और ग्रीनर फ्यूचर के लिए वाव स्किन साइंस की तरफ से। इसकी पेपर ट्यूब पैकेजिंग की वजह से इसमें अप्रॉक्सीमेटली 45% कम प्लास्टिक यूज़ हुआ है। इसमें यूज़ किया गया है पेपर FSC यानी कि फॉरेस्ट स्टीवर्डशिप काउंसिल अप्रूव्ड है। इसका लुक भी काफ़ी अर्दी है। ये फेस वॉश हेल्प करता है स्किन से डर्ट एंड पोल्यूटेंट्स क्लियर करने में। इस फेस वॉश में पावर एंटीऑक्सीडेंट्स एंड मेलानिन ब्लॉकर्स हैं जो एक्सेस मेलानिन को कंट्रोल रखते हैं और स्किन रेडियंस बूस्ट करने में हेल्प करते हैं। ये हेल्प करता है फाइट करने में साइंस ऑफ एजिंग को एंड इवन आउट करता है पैच स्किन टोन को। और इस विटामिन सी फेस वॉश के मेन इंग्रेडिएंट्स हैं एक्टिव विटामिन सी, ऑरेंज एसेंशियल ऑयल्स, लिकोरिश, मलबरी एंड लेमन। और ये फेस वॉश स्किन को एक क्लीन, ब्राइट एंड रेडियंट ग्लो देने में हेल्प करता है। एंड यस, प्रोडक्ट का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप इंटरेस्टेड हैं तो जरूर से चेक कीजिएगा। और वाव स्किन साइंस ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है वाव ग्रीन हैंड्स इनिशिएटिव। ये एक इनिशिएटिव है टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी। इस इनिशिएटिव में आप ऑप्ट कर सकते हैं इकोविया बैग डिलीवरी। ये आप ले सकते हैं 50 रुपीज़ के एडिशनल प्राइस पर। जब आपको ऑर्डर रिसीव हो जाए आप पिकअप ऑप्ट कर सकते हो बैग का। एंड जब बैग पिकअप हो जाए तो आपको मिलेगा कैशबैक ऑफ ₹100 अपने वाव वॉलेट में, जो आप रिडीम कर सकते हैं आपके नेक्स्ट परचेज पर। और ये बैग बना है रिसाइकल्ड प्लास्टिक बॉटल फाइबर से और ये आपका सामान आपको एकदम ही सिक्योरली एंड सेफली डिलीवर करता है। और आपको पता है द बेस्ट पार्ट ऑफ इट, ये डिलीवरी ऑप्शन ऑप्ट करके हम सेव कर सकते हैं प्लास्टिक एंड बबल रैप वेस्ट को। और ये जो बैग है ना, ये हर डिलीवरी के बाद सैनिटाइज होता है। सो चूज रिस्पॉन्सिबली एंड बी वाव नेचुरली। और पता है परसों जो मैंने वीडियो डाला था ना, वो मैंने काफ़ी ज़्यादा डरते डरते थोड़ा कॉन्शियस होकर डाला था, क्योंकि मैं ऐसा महसूस कर रही थी कि पता नहीं आप लोग अंडरस्टैंड करोगे कि नहीं करोगे, कहीं आप मुझे जज ना करो, क्योंकि हर कोई आप क्या कहना चाहते हो वो समझ जाए ऐसा ज़रूरी नहीं होता। बट आई एम सो हैप्पी, आप लोग, यू गाइज़ आर सो वेरी मच्योर एंड सेंसिबल एंड सेंसिटिव एज वेल। ज़्यादातर लोगों ने बात को समझाई है एंड आई एम फीलिंग सो रिलैक्स नाउ। 2020 की जनवरी में ये हुआ था और उससे भी पहले अगर आप मेरे ब्लॉग्स रेगुलरली देखते हो तो वो जो फ़्लाइट टिकट मैंने कैंसिल कराए हैं वो भी आप में से बहुत लोगों ने जज तो कर लिया था कि शायद ऐसा कुछ हुआ है, बट मैंने रिवील नहीं किया था। और लगभग पौने दो साल हो गए कि मैंने ये बात कभी खोली नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी। बट देन बहुत लोगों को क्यूरियोसिटी थी और फिर इस प्लेटफॉर्म पर होने की वजह से ये मेरा फ़र्ज भी बनता है कि मैं आपको थोड़ा तो आइडिया चीज़ों के बारे में दूँ ही, कि आप कंफ्यूज ना रहें। तो जितना ज़रूरी हो सकता है उतना मैंने आपको बता दिया है। और मैं आपको एक बात और बताऊँ, इससे भी आप समझ जाओगे, लाइक ये सुनकर आपके होश ही उड़ जाएंगे। मैं यूजुअली मेरी मम्मी से फ़ोन पे बात करती थी, है ना, और तब भी मैं मेरी मम्मी से फ़ोन पे ही बात कर रही थी। जब हम लोग लास्ट दिसंबर 2020 में गए थे मेरठ, आपने अगर वो व्लॉग देखे हो तो 2020 लास्ट मंथ दिसंबर में मोनू भैया हमारे घर आए थे और हम सब लोग साथ मिलकर बाय कार गए थे मेरठ। तो तब मैं गई थी मेरी मम्मी के पास भी, मैं जब भी मेरठ जाती हूँ उनके पास जाती ही थी, तो मैं थोड़ा बहुत गिफ्ट्स वगैरह लेकर गई थी उनके लिए। और फिर उनके नंबर पे हम लोग बातें करते थे ऑलमोस्ट एवरी डे, इफ़ नॉट एवरी डे तो एवरी ऑल्टरनेट डे हम लोग बातें करते ही थे। एंड देन जब ये हुआ ना, उसके बाद से मेरी मम्मी से थोड़े दिन तो मैं बात कर पाई, वो बोल भी रही थी कि मैं उनको समझाऊँगी एंड ऑल, और उसके बाद उनका नंबर भी चेंज हो गया और तब से अब तक उनका नंबर भी नहीं है मेरे पास। आई रिक्वेस्टेड देम एंड ऑल्सो, ये सुनकर तो आपको यकीन नहीं आएगा बट दे गॉट अ लॉयर इन्वॉल्व्ड, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें अब मेरे कंट्रोल में भी नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि मैं अफेक्ट नहीं हुई, मेरा 2020 इतना टर्बुलेंस भरा ईयर था ना,
बैक टू बैक बैक टू बैक बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जो बहुत ज़्यादा पर्सनल लेवल पे भी हैं और जो मैं आपको नहीं भी बताना चाहती, क्योंकि अब काफ़ी चीज़ें पुरानी हो चुकी हैं, काफ़ी चीज़ें सुधर चुकी हैं। बट 2020 में एक के बाद एक बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जिसका शायद आपको आइडिया भी लग गया होगा मेरे ब्लॉग से। मैंने बहुत सारी बातें खुद भी बोलकर आपको बताई, जिसमें मेरे हस्बैंड का जॉब लॉस भी एक चीज़ था और भी बहुत कुछ हुआ। बहुत डिफ़िकल्ट साल था वो, बहुत बार ऐसा लगा कि बस नहीं है हिम्मत, लेकिन फिर उठना ही पड़ता है हर दिन के साथ, खुद को भी जगाना पड़ता है, उठाना पड़ता है। तो लकीली माय हस्बैंड वाज विद मी थ्रू ऑल दोज टफ टाइम्स, और मैंने उन्हें मना भी किया था कि आप मत कॉल करो इतना अगर ऐसा हो रहा है तो, एक इज्जत वाली बात भी होती है। बट उन्होंने स्टिल ही टुक दैट एफर्ट एज वेल, जो कि वेंट इन वेन। तो अभी तो मैं फिर भी लाइक एट पीस हूँ, रोना धोना सेशन से निकल चुकी हूँ और अभी आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन माई लाइफ, ऑन माई किड्स, ऑन माई हाउस एंड फैमिली। बट अगेन आई जस्ट वॉन्टेड टू ड्रॉप अ थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर अंडरस्टैंडिंग माई सिचुएशन। और मैं बनाने लगी हूँ फ्राइड राइस, दो तरीके से बनाऊंगी मैं, एक एग वाला शानू और खुशी के लिए और एक पनीर वाला मीरा शर्मा जी के लिए। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी रख दिया उबालने के लिए, ये उबल रहा है, इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला है। एक बार इसको बॉइल लग जाएगा तो मैं इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें डालूंगी। और यहाँ पे मैंने राइस जो है वो ऑलरेडी धो करके सोक करने के लिए रख दिया है। राइस और मसाला एक साथ प्रिपेयर करूंगी मैं, बाद में दोनों को बायफर्केट करके अलग अलग जो मुझे प्रेपरेशंस करनी है वो कर लेंगे। कुछ एक चीज़ें मुझे चॉप करनी है, यहाँ पे है ये दो प्याज जिन मैंने ले लिए हैं, तीन टमाटर। बाय द वे हमारे यहाँ पे टमाटर है 80 रुपए किलो, आपके शहर में टमाटर का क्या भाव है मुझे ज़रूर बताना। और ये है तीनों कलर के कैप्सिकम, कोई ज़रूरत नहीं है तीनों कलर के लेने का, मेरे पास था इसलिए मैंने ले लिया, आप सिर्फ हरे वाले से काम चला सकते हो। और ये है कुछ एक हरी मिर्चें एंड कैरेट है, ये ऊटी कैरेट। स्प्रिंग अनियंस है आपके पास तो वो भी ले लीजिए। और फ्राइड राइस का यही ब्यूटी है कि आपको इसमें जो भी पसंद आता है वो डाल सकते हो, थोड़े मटर डाल सकते हैं, कॉर्न डाल सकते हैं, बीन्स डाल सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। तो ये सारी चीज़ें मैं फटाफट से पहले चॉप कर लूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं चावल बॉईल कर लूँगी और दोनों ही रेसिपीज़ के लिए एक साथ ही चावल बॉईल कर लेंगे। तो मैंने कुकर में बहुत सारा पानी लिया है, डाला है थोड़ा सा ऑयल, नमक और यह बासमती राइस जो धोने के बाद मैंने कुछ 25 मिनट जैसा सोक किया है, इसको ऐड कर देंगे पानी के अंदर। आपका पानी उबलने लगे इसके बाद ही इसके अंदर चावल ऐड कीजिएगा, एक स्टर दे दें वरना ये नीचे बैठ जाते हैं और चिपकने भी लगते हैं। और अभी इसको लगभग 90% हो जाने तक हम कुक करेंगे। पहले ही मैंने यहाँ पर दो कढ़ाई के अंदर डाल दिया है थोड़ा ऑयल, तो मैं है ना थोड़ा सा पनीर फ्राई करूँगी क्योंकि मैं मेरे लिए और शर्मा जी के लिए बनाने वाली हूँ पनीर वाला राइस, पनीर फ्राइड राइस। तो इसके लिए कटा हुआ पनीर क्यूब्स में काट लिया मैंने, इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे फुल फ्लेम पर। और दूसरी तरफ मैं बनाऊँगी मसाला। मसाला बनाने के लिए डाली हूँ मैं पहले गर्म किए हुए तेल के अंदर ज़ीरा, प्याज, जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और अब ये सारी ही चीज़ें अच्छी तरह से भून लेंगे। मेक श्योर आप पनीर को ना एकदम ही हाई फ्लेम पे फ्राई करें। आप देखिए मैंने पैन को ना उस बर्नर से उठा के इस वाले बर्नर पे रख दिया है, ये मेरा लार्जेस्ट बर्नर है तो इसमें ज़्यादा फ्लेम आती है, तो पनीर फटाफट से लाल हो जाएगा, मॉइस्चर नहीं ख़त्म होगा इसका। पनीर को निकाल दीजिए एक कटोरे के अंदर और इसके अंदर चुटकी भर नमक और गर्म पानी डाल करके इसे साइड में रख दें, इससे ये सॉफ्ट बना रहेगा। और अभी चावल हो चुके थे बॉयल, लगभग 90% मैंने बॉयल करके इसको छान लिया है। ये जो बर्तन है इसके नीचे छेद हैं बहुत सारे, परफोरेटेड डिश है ये, तो इसके अंदर मैंने जो राइस है वो निकाल करके रख दिया। और राइस को बस ऐसे ही रखना है, इसके ऊपर ठंडा पानी नहीं डालना है। और यहाँ मेरे प्याज का मसाला अच्छी तरह भुन चुका है, ऐड करेंगे इसके अंदर टमेटोज चॉप किए हुए और थोड़ा सा इसको भूनेंगे। और यह है ना बेसिकली मसाला मैं दोनों ही राइस के लिए बना रही हूँ, इसमें डालेंगे थोड़ा नमक, लाल मिर्ची, हल्दी और धनिया का पाउडर, थोड़ा सा गर्म मसाला और चुटकी भर चीनी, चुटकी भर काली मिर्ची। अच्छी तरह इस मसाले को मिला लीजिए। थोड़ा सा ना मैं इसको पानी डाल करके भूनूंगी, मुझे बिल्कुल ही सॉफ्ट ये मसाला चाहिए, मतलब प्याज भी टमाटर भी अच्छी तरह से एकदम ही सॉफ्ट मशी कुक हो जाए। एक चम्मच शेजवान चटनी मैं ऐड कर रही हूँ फॉर एक्स्ट्रा टेस्ट एंड दैट चटकारा, अच्छा रेड कलर भी आएगा इससे। और इसके बाद बस मिक्स कर लीजिए अच्छी तरह, जल्दी ही आपका ये मसाला भून करके तैयार हो जाएगा। पैरेलली
पनीर मैंने निकाल लिया था, तो वो जो ऑयल बच गया है ना उसको मैं गर्म होने के लिए रख दूंगी। ये मसाला देखें अच्छी तरह से भुन चुका है, गैस कर दूंगी मैं बंद और मसाला भी हो गया है रेडी, राइस भी हो गया है रेडी। बढ़ते हैं नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ। तो इस वाले तेल में मैं ऐड करूँगी इस तरह लंबी कटी हुई प्याज। मैं ये बेसिकली जो वेजीज जाती है ना फ्राइड राइस में वो सारी इकट्ठी ही फ्राई करके रख रही हूँ फुल फ्लेम पे, और ये बाद में यू नो जब मिक्स करेंगे तब काम आएंगी। यहाँ पर प्याज बिल्कुल हल्के ही भुने, मैंने ज़्यादा नहीं भुने। ऐड कर देंगे इसके अंदर कटे हुए गाजर, थोड़ी सी हरी मिर्ची और तीनों तरह की जो कैप्सिकम्स रहती हैं बेल पेपर्स, वो भी मैंने ऐड कर दिए हैं। चुटकी भर काली मिर्ची और ज़रा सा नमक। सब्ज़ियाँ आपको फ्राई तो करनी है कि थोड़ी सी चार्ड एंड ग्रिल्ड टाइप की ये हो जाए, बट बहुत ही सॉफ्ट हो जाए ऐसी नहीं, इसका क्रंच जो है वो बरकरार रहे इस तरह से फ्राई कीजिए। तो सब्ज़ियाँ भी मैंने निकाल ली हैं, ये भी हो चुके हैं रेडी, मसाला भी हो चुका है रेडी। अब फटाफट से दोनों तरह के राइस को हम लोग यू नो कंबाइन कर लेंगे। तो प्रिपेयर कर रही हूँ मैं पहले एग वाला राइस, ये सानवी खुशी के लिए है, इसमें मैंने थोड़ा सा कम ही मसाला डाला है। तो मसाले के ऊपर मैंने ना गैस अभी बंद कर रखा है, इसके ऊपर ऐड कर दीजिए जितने भी एग्स आपको चाहिए। मैं उन दोनों के हिसाब से 4 अंडे यहाँ पर ऐड कर रही हूँ, और उसके बाद मिला लीजिए। ये एक तरह से आपका स्क्रैम्बल्ड एग्स का बेस तैयार हो रहा है, यानी कि अंडा भुर्जी जैसा। तो इसको मिला लीजिए जब तक कि आपको ये थोड़ा सा ड्राई फील होने लगे, और इसके बाद इसके अंदर ऐड कीजिए वेजिटेबल्स। ये देखें बहुत अच्छा सा ड्राई हो गया, तो अब मैं वेजिटेबल डाल दूँगी। सानवी खुशी के लिए है तो मैं सब्ज़ी भी कम डालूँगी, वरना वो निकाल निकाल के साइड में रख देंगे। और इसके बाद अच्छी तरह मिक्स कर दीजिए। ये बहुत अच्छा लगता है खाने में, बच्चे भी खा लेते हैं मज़े से, ट्राई ज़रूर दीजिएगा। और इसके बाद इसमें कुछ नहीं मिलाना है, जो राइस हमने डाले थे एज लास्ट एलिमेंट वो ऐड कर दीजिए। राइस को उबालते वक्त नमक डाला था मैंने, तो इसलिए मैं ऊपर से नमक नहीं डाल रही हूँ। और जो नीचे हमने स्क्रैम्बल्ड एग्स का जो बेस बनाया है उसमें भी नमक मसाला सब ठीक ही है। तो बस अच्छी तरह से सारी चीज़ों को टॉस एंड टर्न कर लीजिए, मिक्स कर लीजिए। थोड़ा सा सिजल जैसी आपको आवाज़ आएगी, अच्छी तरह से ये ड्राई हो चुका होगा, बस आपका एग फ्राइड राइस रेडी है। मैं इसको सानवी खुशी के लिए बना रही हूँ, तो टॉप कर रही हूँ सनी साइड अप से, उनको बहुत ज़्यादा पसंद है सनी साइड अप। और ये हो गया है एग फ्राइड राइस बोल तैयार। अगर आप एग्स खाते हो ना तो ये बोल को ट्राई ज़रूर देना, आपको ये बहुत अच्छा लगेगा, जल्दी बन जाता है, बड़ा मज़ेदार लगता है। चलिए अब पनीर वाला बना लेते हैं, आप अगर एग्स नहीं खाते तो ये वाला बनाइएगा। रिमेनिंग मसाला मैंने गरम कर लिया है, और उसके बाद ऐड किया है इसमें मटर, ये फ्रोज़न मटर है, ये उबले हुए ही रहते हैं। और उसके बाद बची हुई सब्ज़ियाँ मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा मैंने मसाला रखा है, सब्ज़ियाँ रखा है, क्योंकि ये बेसिकली हमारे लिए है। सानवी खुशी को थोड़ा सा कम स्पाइसी पसंद आता है, बड़े लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा यू नो चटकारेदार पसंद आता है। मैंने पनीर भी ऐड कर दिया है, पनीर का जो पानी है वो निथार दिया था, सिर्फ पनीर के चंक्स ऐड करे हैं। बचा हुआ राइस और थोड़ा सा धनिया मैंने ऐड कर दिया है। सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर दीजिए। आप है ना इसको थोड़ा सा चक्कर देख सकते हो, आपको नमक वमक जिस भी चीज़ की लगता है कि कमी है तो आप यहाँ स्टेज पे इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिए जब तक कि राइस सिजल की आवाज़ देने लगे, एंड देन सर्व इट। और बहुत अच्छा लगता है ये पनीर राइस बोल भी, ट्राई दीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। और बस इसी के साथ आ गए हम इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी है, जल्दी मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक रियली गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।